आज हमारे पास में लिनोवो का लैपटॉप आया है जिसमें डिम डिस्प्ले का प्रॉब्लम आ रहा है। डिम डिस्प्ले के तीन चार कारण होते हैं जिसकी वजह से डिम डिस्प्ले की प्रॉब्लम आती है। नंबर एक होता है ब्राइटनेस सेटिंग। अगर आपके लैपटॉप की ब्राइटनेस ऑन नहीं है तो उसे ऑन कर लीजिए और फंक्शन की का यूज करके आप अपने लैपटॉप की ब्राइटनेस को बढ़ा सकते हैं। दूसरा होता है पावर सोर्स। अगर आप अपने लैपटॉप को बैटरी से चला रहे हैं तो भी यह इशू हो सकता है। तो आप अपने लैपटॉप को पावर अडेप्टर से कनेक्ट कीजिए और चेक कीजिए कि यह ठीक से आ रहा है या नहीं आ रहा है। हमने ऊपर के दोनों इशू चेक कर लिए हैं, उसमें यह प्रॉब्लम नहीं है। तीसरा होता है हार्डवेयर का इशू। हार्डवेयर में भी दो पार्ट होते हैं। पहला पार्ट होता है आपके लैपटॉप में एक जो डिस्प्ले केबल होती है जो आपके मदरबोर्ड को स्क्रीन से कनेक्ट करती है, उसकी प्रॉब्लम की वजह से भी यह हो सकता है। और दूसरा होता है स्क्रीन की प्रॉब्लम। अगर यह स्क्रीन की प्रॉब्लम होती है तो हमें इसमें स्क्रीन रिप्लेस करनी होती है। तो आप यह देख सकते हैं कि हमने डिस्प्ले केबल को चेंज किया है, चेंज करने के बाद भी इशू सॉल्व नहीं हुआ है। तो अब हम इस लैपटॉप की स्क्रीन को चेंज करेंगे और देखेंगे कि स्क्रीन को चेंज करने के बाद में यह इशू फिक्स हो जाता है या नहीं। अब हम इस लैपटॉप की स्क्रीन को चेंज करेंगे। स्क्रीन चेंज करने के बाद हम लैपटॉप को ऑन करके देखेंगे कि डिम डिस्प्ले की प्रॉब्लम सोल्व होती है या नहीं। अधिकतर केस में हम देखते हैं कि अगर यह डिस्प्ले केबल की प्रॉब्लम नहीं है तो यह स्क्रीन की प्रॉब्लम ही होगी। और अब आप देख सकते हैं कि स्क्रीन पर डिस्प्ले आ गया है। तो ये डिस्प्ले की प्रॉब्लम थी। अगर आपको भी इस तरह की कोई प्रॉब्लम आपके लैपटॉप में आ रही है तो हमें कमेंट कर सकते हैं। और आपसे निवेदन है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।